और साइकिल पे घूम रहे हेलमेट लगा के वहां पे कौन सा वहां से ये तो हेलमेट देख ओ भाई कायला वहां से Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज है बृहस्पतिवार 29th of July. और कल मैं गया था मुजफ्फरपुर, आज फिर से जा रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन लेना है. वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है. जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वैक्सीनेट हो गए, अगर नहीं गए तो काम नहीं हो सकता. तो सुबह के बज रहे हैं 8:30, मेरा बाइक हो गया है पंचर तो मैं अपनी बाइक से जा नहीं सकता. तो दोस्त को कॉल किए हैं, दोस्त आ रहा है, उसके साथ मैं निकलूँगा. तो मौसम भी कुछ ऐसा बना के रखा है कि भैया कभी भी बारिश हो सकता है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है. अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कल भी वैसे ही हुआ, पूरा बारिश में भीगते हुए हम लोग आए थे. तो थोड़ा बदन में दर्द वगैरह है, चलेगा. वैसे मैं पूरा फुल टू रेडी होकर बैठा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब आएगा. तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, वो आता है फिर मैं निकलता हूँ. जस्ट अभी पहुँचा है 8 बजे बोल के 9:30 में, 9:30 नहीं 9:45 में, या 8 बजे आ रहे हैं. 8 बजे आ रहा तू. अभी जाएंगे तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा. चल हेलमेट पहन फटा. अभी टाइम हो रहा है 2:13 और आधा घंटा पहले पहुँचे हैं यहाँ पे. तो आधार कार्ड वगैरह जमा हो चुका है. अब 10 आदमी को भी लेके गया है वैक्सीन देने के लिए. उसके बाद हम लोग का टर्म आएगा, देखिए कितने देर बाद हम लोग का टर्म आता है. और मुजफ्फरपुर तो पहले ही पहुँच गए थे यार, लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है वो CRPF में है, तो उसको कैंटीन से बहुत सारा सामान लेना था. तो पहले वो कैंटीन चला गया, वहाँ सामान लेने लगा, उसके बाद हम लोग यहाँ आए. तो देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, अब कितना टाइम लगता है भगवान जाने. ये वैक्सीन लेने से बड़ा डर भी लग रहा है भाई साहब, क्या होगा, क्या इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है. सुने आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा भीड़ है, देखिए बहुत क्राउड कितना है, बहुत सारा क्राउड है. तो वैक्सीन लेते हैं उसके बाद. सभी वैक्सीन लेने के लिए बैठे हुए हैं. फाइनली वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है. यहाँ हम हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में. यहाँ पे कोविशील्ड मिल रहा है, यहाँ पे कोविशील्ड मिल रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. अभी जस्ट मेरा वैक्सीन हुआ है, फिर 84 डेज़ बाद सेकेंड डोज मिलेगा. तो फिलहाल के लिए अब वैक्सीन मिल गया, सबसे बड़ी खुशी यही है. क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे थे हम वैक्सीन लेने के लिए, धूप बहुत ज़्यादा है. अब निकलते हैं हम घर. कहाँ गया भाई? एक भाई मेरा ये वेट कर रहा है. जाओ. हमने बताया कुछ नहीं, पता चला तो फट से मारा वो सर्वे डाल दी थी. मेरे साथ में जो भाई थे उनका सेकेंड डोज था, तो सेकेंड डोज लेने गए हैं कोविशील्ड का. तो मेरे साथ ही हो जाता, बट क्या था ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि आधार कार्ड जॉक्स लेके नहीं आया था. यहाँ आधार कार्ड जॉक्स लगता है, तो फिर गए थे आधार कार्ड जॉक्स लेके आए, अब ताज़ा के दिए. तो अभी उनका नंबर आया, अभी वो अंदर गए हैं, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा अंदर. आई थिंक सेकेंड डोज जल्दी ही मिल जा रहा है, क्योंकि सेकेंड डोज के लिए बहुत कम लोग हैं, फर्स्ट डोज के लिए ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे. फिर वो निकलता है, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे. चोरी हो गया, हम लोग साइकिल पे साइकिल पे घूम रहे हैं हेलमेट लगा के. कौन सा वहाँ से ही वाला हेलमेट देखो कहीं कायला वहाँ से. बड़ी बाजार में बेइज्जती हो गया. साइकिल पे आ गए मोटरसाइकिल छोड़ के.
डूबिया ना होने यार। अभी साइकिल पहुंचाने गया है, मेरा दोस्त का साइकिल है उसको देने गया है, बाइक लेके चला गया मेरा दोस्त कहीं, और मैं यहाँ पैदल भटक रहा हूँ वो भी हेलमेट पहन के। वैसे हेलमेट पहने पहना है धूप की रही, धूप बहुत हार्ड है, आप देख सकते हैं धूप बहुत हार्ड है। तो फाइनली मैं घर पहुँच गया, अभी टाइम हो रहा है 10:07, हम पहुँचे थे आई थिंक 8:30 तक पहुँचे थे ना हम, 8:30 में घर पे पहुँचे हैं। मुजफ्फरपुर से निकले हम लोग लगभग लगभग 5:30-6 में, 5:30 में, तो देवरिया आते आते बज गया 7:30। फिर वहाँ से हम लोग निकले और घर से 2 किलोमीटर पहले ही इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि हम लोग वहाँ लगभग रुके 30-45 मिनट। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो देख रहे लाइट ही नहीं, मोबाइल भी चार्ज नहीं। अब आए यहाँ पे और वैक्सीन लिए तो शायद माँ बोल रही थी कि नहाना वहाँ नहीं रहता है कुछ देर, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो माँ का भी बात मानना ज़रूरी है, नहीं मानते तो गुस्सा करती। तो नहाए वहाए नहीं, कल नहाएंगे अब, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा इस हाथ में थोड़ा सा पेन है, हल्का सा एकदम भारी। अरे यार ये क्या हो गया, लाइट ही कट गया, यही यही इसी वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो गाइस देखो लाइट फिर से कट गई और ब्लॉग इसी वजह से ब्लॉग सही टाइम पे सही नहीं बन पाता है क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और वैक्सीन वगैरह सब चीज़ ले लिए क्योंकि कंपनी है बहुत इसका ज़रूरत है वैक्सीन का। तो ब्लॉक करते हैं पेंट, देखते हैं क्या होता है, अभी तो हाथ थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, देखते हैं आगे क्या साइड इफेक्ट होता है इसका, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, शायद मुझे नहीं होगा तो इसका पता तो कल ही चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुड बाय, टेक केयर।